बीजेपी जी अगर नहीं होती तो राम मंदिर जो है नहीं बनता, तो क्या लगता है आपके समझ से क्या होना चाहिए, राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए था नहीं? अयोध्या की धरती पर रामलला की मंदिर बनी है, इससे कोई आपको आपत्ति? सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है वक्त है बदलाव का, देश के विकास का, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, क्या कहेंगे आप? बता रहे थे कि हम एक समाज सेवी हैं, तो आपके नज़र में आपके समाज के लिए, नवादा के लोगों के लिए, बीजेपी कांग्रेस या आरजेडी, इसमें कौन सा जो है पार्टी बेहतर है? कन्हैया कुमार जो है नेशनल लेवल के नेता बन चुके हैं और नवादा की धरती पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्पीच रहेगा आप सुनने के लिए जा रहे हैं। अभी हम हैं नवादा में और आप देख सकते हैं सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वक्त है बदलाव का, देश के विकास का, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, क्षेत्र का विकास अब युवा के साथ। और अभी हम नवादा में हैं और हमारे साथ कुछ युवा हैं और इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नवादा के लिए कौन सा चेहरा आए ताकि नवादा में विकास में जो है बदलाव हो। और देख सकते हैं हमारे साथ कुछ युवा हैं, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी मैं मोहम्मद फैजुल हक, समाज सेवी नवादा बिहार। 5 तारीख को नवादा की धरती पर कन्हैया आ रहे हैं, कन्हैया कुमार जो कि कन्हैया जो है आज देश की लेवल में नेता है ना, देश में जो है कन्हैया कुमार को जो है सभी लोग जानते हैं, तो आपके नज़र में कैसा व्यक्ति है? हाँ, कन्हैया कुमार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आज से पहले 2019-2018 में जो प्रोटेस्ट जो चल रहा था NRC और CA का, तो उसमें कन्हैया कुमार भी आए थे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। साफ छवि के हैं और नौजवान हैं, है इनके अंदर कुछ करने की ताकत, और हमको लगता है कि आने वाले दिन में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अच्छा काम करके दिखाएंगे ये। आप भी चाहते हैं कि नवादा में कांग्रेस की सरकार? हाँ, इस बार बदलाव होनी चाहिए बहुत। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैजुल हक है। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है वक्त है बदलाव का, देश के विकास का, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि सब पार्टी मिल करके एक इंडिया का नाम दिया है, लकब दिया है। अगर मेहनत ऐसी जारी रही, अगर सब जनता के हित में अच्छा काम करेंगे तो जनता इस बार ज़रूर बदलाव करेगी। बोर्ड में लिखा हुआ जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, कहाँ ये फोकस कर रहा है? भारत पूरा जुड़ेगा, भारत के नौजवान जुड़ेंगे तो इंडिया जीतेगा, ये फोकस कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी हैं और भी दल हैं, समझे, ये बीजेपी को समझ लीजिए एक मात देने की ताकत है। पूरी पार्टी चाह रही है कि इस बार बीजेपी को किसी तरीके से उखाड़ करके फेंका जाए, क्योंकि पूरे आवाम परेशान हाल हैं, भुखमरी से, बेरोज़गारी से, समझे। और बीजेपी सरकार ठीक ठाक है, हम गलत नहीं बोलेंगे, मगर उनको चाहिए था कि धर्म से उठ करके हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, समझे, ये सब को छोड़ करके, पीछे छोड़ करके एक अच्छा, यानी हिंदुस्तान के हित में एक आम जनता हो और भी बहुत सारे जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा हो, अच्छे सोच किसके वजह से आज हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए। आपके कहने का मतलब हुआ कि बीजेपी जो है भारत को जो है विकास नहीं दे रही है? विकास दी है, कुछ विकास दिया है, मगर पूरी तरीके से खरा नहीं उतरे हैं, नहीं पूरी तरीके से खरा। नवादा के धरती पर जो है कन्हैया लाल आ रहे हैं और उसके संयोजक हैं विकास कुमार, कांग्रेस नेता है नवादा के, काफ़ी जब भी नया चेहरा है उभरे हैं, तो विकास जी को आप पहचानते हैं? विकास जी को पहचानते हैं और इनके हॉस्पिटल में भी हम गए हैं, धर्मशाला में। हाँ, अच्छी तरह से व्यक्ति हैं? व्यक्ति ठीक है, अच्छे, मगर पूरी तरीके से अभी पहचाने नहीं है, जब इनसे हम बात करेंगे, इनके करीब जाएंगे, समझे, उसके बाद फिर इनको देखेंगे क्या है नहीं, अगर ये आने वाले दिन में उठते हैं तो इनका भी भरपूर साथ दिया जाएगा। विकास जी जो हैं सोशल मीडिया पर भी आए हैं और कह रहे हैं कि नवादा में यदि विकास चाहिए तो विकास को उतारना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं नवादा लोकसभा के जो चुनाव होने वाला है 2024 में, इसमें विकास जी जो है कांग्रेस की पार्टी से जो है आना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो कांग्रेस के जो हाई कमांड है वो फैसला करेंगे, अगर वो सोचेंगे कि नहीं विकास जी नाम है तो विकास करेंगे पूरे नवादा का, तो ज़रूर कांग्रेस देगी इनको टिकट, अगर इन टिकट लेके आते हैं तो हम लोग भरपूर इनका साथ देंगे। और विकास जी से यही एक हम लोग की प्रार्थना होगी और विकास जी से यही एक बोल होगा कि विकास नाम है मगर उस पर खरे उतरना, नवादा का विकास करना, क्योंकि आते सब हैं जुमलाबाज हैं, जुमला बोलते हैं चले जाते हैं, जनता बेचारी रोती है, जनता को। हाँ, कहीं ना कहीं कहने का मतलब हुआ नया चेहरा है, विकास उनका नाम है
और नया चेहरा पर आपको विश्वास जो है कुछ हो रहा है कि आएंगे तो विकास करेंगे, है ना? यानी नेताओं से आपका भरोसा उठ गया है? हाँ, पहले जितने भी नेता आते हैं सब जुमलेबाज आते हैं, एक बार आते हैं पैर है ये है वो है, बाकी जितने के बाद 50 बार जनता उनके पास जाती है तो पीए से मिलना पड़ता है, तो फलाना से मिलना पड़ता है, नहीं है बाद में मुलाकात होगी, तो ये नहीं होना चाहिए। जनता के मसीहा बनिए और जनता के काम आइए। नेता सिर्फ बनने से नहीं होता है, ना कि चेयर पे बैठने से होता है सत्ता पे। हम बनते किस लिए? अपने जनता के लिए बनते कि हमारी जनता क्या चाहती है, हमारे नवादा के जनता क्या चाहती है, विकास नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ है, समझे? तो आने वाले वक्त 2024 में ये जनता बहुत अच्छे से फैसला और डिसीजन लेगी, और अगर जनता चाहेगी कि नहीं इस बार बदलाव होनी चाहिए तो इस बार ज़रूर बदलाव होगा, और नवादा से जो भी गठबंधन से आएगी उसका भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। आप बता रहे थे कि हम एक समाज सेवी हैं, तो आपके नज़र में आपके समाज के लिए, नवादा के लोगों के लिए बीजेपी कांग्रेस या आरजेडी, इसमें कौन सा जो है पार्टी बेहतर रहेगी? देखिए अभी हम इसके बारे में नहीं कुछ बताएंगे जी, जब ऐलान हो जाएगा उसके बाद खुद आइएगा, आप खुद बता देंगे कि हमारे नवादा लोकसभा के लिए नेता कौन अच्छे होंगे, इस वक्त बताना मुनासिब नहीं है। हाँ, क्योंकि अच्छे सब हैं, आरजेडी भी हैं, जेडीयू भी हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी हैं, सब अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, मगर आने वाले वक्त में फैसला लिया जाएगा कि कौन हमारे लिए अच्छे होंगे नवादा लोकसभा के लिए। कन्हैया कुमार जो है नेशनल लेवल के नेता बन चुके हैं और नवादा की धरती पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्पीच रहेगा आप सुनने के लिए जा रहे हैं? हाँ, ज़रूर जाएंगे सुनने के लिए, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन की बात जो होती है, बात करने का ही तरीका लहजा अलग होता है, और जो उनके दिलों में अच्छी अच्छी बात होती है वो ज़रूर वहाँ पर बयान देंगे, और उनके स्पीच को मैं ज़रूर सुनूँगा और देखूँगा कि क्या ये बोल के जो जाते हैं उस पर खरे उतरते कि नहीं। जी, कन्हैया लाल आए थे हमारे यहाँ, हमने उनको पुरजोर इस्तकबाल भी किया था, और एक नौजवान हैं छवि के, और बोलने में भी एक दक्काक हैं, बेबाक हैं, तो ज़रूर उनके स्पीच को सुनने जाएंगे, उनका भरपूर समर्थन हम लोग करेंगे। आप मुस्लिम समाज से हैं और बीजेपी, जैसा कि राम मंदिर लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिए हैं बीजेपी, तो लोग जो है हिंदू लोगों का कहना है, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है या सारे लोगों का जो भी कहना है, कि बीजेपी जगह नहीं होती तो राम मंदिर जो है नहीं बनता, तो क्या लगता है आपके समझ से क्या होना चाहिए, राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए था नहीं? ऐसी बात नहीं है, समझे, कि बीजेपी होती तो राम मंदिर बनती। और रही बात भाई, सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, आप जो कुछ बना लीजिए। अब हमारे हिंदू भाई अगर अच्छे होंगे, समझदार होंगे, तो समझ चुके हैं अभी तक कि ये जुमले वाली सरकार सिर्फ जुमला बोल रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गौकशी के नाम पे एक दूसरे के अंदर नफरत फैलाना है। हमारे हिंदू भाई अच्छे से समझ चुके हैं और इसका जवाब 2024 में बहुत अच्छे तरीके से मिल के देंगे। अयोध्या की धरती पर रामलला की मंदिर बनी है, इससे कोई आपको आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग ने कोर्ट का समर्थन किया है, कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनका वेलकम करते हैं। जनता को कैसे लग रहा है कि मोदी जी जो है मंदिर को बनवा? मोदी जी कैसे बनवा देंगे मंदिर को? अगर कोर्ट हमारे हक में फैसला देती तो वहाँ पे मस्जिद बन जाती। और एक चीज़ मैं और बताते चलूँ कि मस्जिद कहीं नाजायज़ जगह पे नहीं बनती है और मंदिर भी नाजायज़ जगह पे नहीं बनती है, वो भी हक जगह पे बनती है। हमारी और आपकी ताकत नहीं है कि कुछ बना दे जब तक ना के ऊपर वाला चाह ले, और कोर्ट ने फैसला सुनाया है, हम लोग ने उसको कबूल किया है, और सब्र से रहें कि नहीं भाई, हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब है, हिंदुस्तान एक सोने का चांदी है, इसमें बहुत तरीके के लोग, हर मज़हब के लोग रहते हैं मिलजुल करके, तो हम लोग इस तरीके से किसी से पेश नहीं आ सकते हैं, जो कानून बोलेगा उसको हम लोग मोस्ट वेलकम है, उसका ही करते हैं। धरातल पर जो भी वसुधर्म कुटुंबकम मानी कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अन्य नेता के चक्कर में जो है सारे जो है आपसी मतभेद हो जाते हैं। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है, हम लोग का एक नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मगर जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है आज हिंदू मुस्लिम में ऐसा नफरत भर दिया गया है
इससे पहले नहीं था। 10 साल पहले उठा के देख लीजिए, पीछे जाइए तो ऐसा नहीं था। हमारे सामने तेली टोला है, हमारे सामने भाई हैं, चचा अंकल राजू साहब फलाना साहब, सब हम लोग मिलजुल करके अखलाक मोहब्बत से रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मगर अभी जब से सत्ता में आई है सरकार, वो सत्ता चाहती है कि हम हिंदू मुस्लिम कर करके अपने सत्ता पे बैठे रहें और हिंदुस्तान ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम बस ठीक ठाक रहें अपने जगह। नाम बताया था? मोहम्मद फैजुल हक, समाज सेवी। अभी हम नवादा में हैं और मोहम्मद फैजुल हक, फैजुल हक थे और जिस तरह से ये अपना बयान दे रहे थे, कहीं ना कहीं जनता को सोचना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में भाई भाई का नारा है, कहीं ना कहीं नेताओं के चक्कर में ये नारा जो है बर्बाद हो रहा है। इसलिए जो है जनता को सोचना पड़ेगा कि कौन सा पार्टी जो है जनता के हित के लिए होगा। बाकी देख सकते हैं कैमरामैन एक बार और दिखाइएगा, नवादा की धरती पर जो है ये बैनर लग चुका है कि 5 तारीख को जो है नेशनल लेवल के नेता कन्हैया कुमार जो है नवादा की धरती पर आ रहे हैं। उसके संयोजक हैं विकास कुमार, कांग्रेस नेता, और 5 तारीख को जो है ITI के ग्राउंड में कन्हैया कुमार आ रहे हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जो है कन्हैया कुमार की स्पीच को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ITI नवादा ग्राउंड में जरूर आइएगा। बाकी आप लोग देख रहे थे हकीकत सब तक। धन्यवाद। जय हिंद।